डूइंग ग्रेट और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो आज हम रेक करने वाले हैं बहुत 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 ज़बरदस्त वीडियो, जो कि फाइनली एक जो हम कह सकते हैं कि सबका वेट जो है वो ख़त्म होने को है, क्योंकि टीज़र के बाद ट्रेलर, जी बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं KGF चैप्टर 2 की और फाइनली इसका ट्रेलर आ चुका है। इससे पहले टीज़र आया था और उसके बाद से लोग बहुत ही ज़्यादा जो है वो उनका वेट कर रहे थे कि आ जाए, लेकिन जो है वो ट्रेलर बहुत देर कर दी, देर लगी आने में, तुमको शुक्र है आए तो, वो वाला गाना मुझे याद आ रहा है यहाँ पर। सो एनीवेज करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो KGF चैप्टर 2 का जो है वो ट्रेलर आ चुका है, जिसमें हमें रवीना टंडन देखने को मिलेंगी और इसके अलावा अजय देवगन, संजय दत्त मिलेंगे इसमें हमें, यश, रवीना टंडन, श्रीदी और बहुत सारे लोग जो हैं वो इसमें हमें देखने को मिलेंगे। सो बहुत मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट, बिकॉज आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड एंड बस देखते हैं। और RR भी आ गई है और उसके बाद अब ये इसका ट्रेलर भी, तो मुझे उम्मीद है कि ये बहुत जल्द रिलीज होने को है। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट, सो देखते हैं कि कैसी होता है। सो लेट्स स्टार्ट। KGF में गरुड़ा को मारने के बाद क्या हुआ, आप पढ़ेंगे? खून से लिखी हुई कहानी है, स्याही से नहीं बढ़ेगी। अगर आगे बढ़ाना है तो फिर से खून ही मांगेगी। There will be no more tolerance. मेरे पास भी हथियार है, घुस के मारेंगे। तलवार चलाकर खून बहाकर जंग लड़ना तबाही नहीं, तरक्की होती है। उसमें लाशें भी बेकार नहीं जाती, चाहिए तो गिद्धों से पूछ ले। He is the biggest criminal. He is the biggest businessman. This is the biggest national issue. Violence, violence, violence. I don't like it. I avoid. But violence likes me. I can't avoid. मैं तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी। कह देना उनको कि मैं आ रहा हूं अपनी KGF लेने। मेरे दोस्ती लायक कोई यार नहीं, मेरे दुश्मनी झेल सके ऐसी तलवार नहीं। बिजनेस करेंगे, ऑफर क्लोजेस सून। माँ, एक दिन दुनिया का सारा सोना तो मिला कर दूंगा माँ। अच्छा ठीक है, अभी तू सो जा, कल सुबह जाकर ले आना। तो ये था हमारा आज का ट्रेलर KGF चैप्टर 2। माइंड ब्लोइंग यार, अमेजिंग, इतना जबरदस्त ट्रेलर कभी नहीं देखा। ऑल इन वन एवरीथिंग, और ऐसी वीडियो मूवी का पूरा ट्रेलर जो है इन्होंने जो बनाया है, मतलब सस्पेंस भी क्रिएट कर दिया, रोंगटे भी खड़े कर दिए और बॉडी ऐसे थ्रिलिंग कर रही है, और मतलब लाइक अमेजिंग, बहुत ज़बरदस्त है। और मैं एक बात बताऊँ, KGF चैप्टर 2 जो है सिनेमा में जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त
जो है वो ये करने वाला है, जो मतलब धूम मचाने वाली है, अभी आरआर आर आई है, उसके बाद जो है अब ये आने वाले केजीएफ, और मुझे लगता है कि आरआरआर को जो है वो केजीएफ बीट करेगी। और आपको क्या लगता है ये तो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, जो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही अच्छा लग रहा है कि केजीएफ फाइनली आ चुकी है मैदान में। और इसमें जो हम देख रहे हैं वो सस्पेंस बहुत ही ज़बरदस्त है जो कि क्रिएट किया है केजीएफ, स्पेशली रॉकी ने। जैसे कि वो बहुत ही अमीर तरीन है, लेकिन वो कहता है, इसका डायलॉग बहुत ज़बरदस्त है, आई अवॉइड वायलेंस वायलेंस वायलेंस, लेकिन आई थिंक वायलेंस लाइक्स मी, सो आई कांट अवॉइड वायलेंस। अमेजिंग। और फिर उसके बाद जो वो दुश्यम दुश्यम करता है, वो गाड़ियाँ उल्टी और ये जा रही हैं, इवन दो गवर्नमेंट तक यश से बहुत परेशान होती है जो कि रोकी हैं उनसे, और वो इतनी परेशान होती है कि वो बस चाहती है कि भले जितना अमीर दे रही, लेकिन इसको पटकाना है, इसको हमने साइड पे कर देना है। तो अमेजिंग यार, इतनी ज़बरदस्त ये लेकर आए हैं इंडस्ट्री में एक मूवी जो कि 14 अप्रैल को रिलीज़ होने वाली है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। और मुझे लगता है कि इससे जो है वो इंडस्ट्री को बहुत ही ज़्यादा बूस्ट मिलेगा, क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं रवीना टंडन की जो एक्शन है, एक्टिंग है, वो बहुत ही ऑसम है, रोल उनका बहुत ज़बरदस्त है। ये इनकी ही अपनी कुछ पार्टीज चल रही हैं, फिर उसके बाद संजय दत्त आ जाते हैं, वो अपनी एक अलग 4 भी इकट्ठी करके बैठे हुए हैं, फिर रोही अलग है, मतलब ये एक अलग ही सिनेरियो हमें देखने को मिल रहा है इसके अंदर, फुल एक्शन के साथ है, फुल धमाल के साथ है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त, मुझे तो बहुत ही मज़ा आया, यकीनन आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा, इंजॉय किया होगा। सो 14 अप्रैल को कौन कौन वेट कर रहा है, ऑलमोस्ट 15 रह चुके हैं, और मतलब कि ये आने वाली है 15 के अंदर, और जो है वो फिर देखा जाएगा कि आरआर को ये बीट कर पाती है कि नहीं कर पाती है, ये तो आप मुझे बताना कमेंट में कि ये बीट करेगी आरआर को कि नहीं करेगी। मुझे ऐसा लगता है कि ये बीट कर लेगी, क्योंकि जिस तरह का इसका रिस्पांस हम देख रहे हैं बहुत ज़बरदस्त है, और बाहुबली का जो रिकॉर्ड है मुझे लगता है वो भी माइट बी, मुझे जहाँ तक लग रहा है तो ये बाहुबली का जो रिकॉर्ड है वो भी शायद ना तोड़ पाए, क्योंकि बाहुबली एक काफ़ी ज़बरदस्त मूवी रही है। लेकिन अगर हम क्या कहते हैं, रिकॉर्ड बनाएगी, लेकिन शायद बाहुबली तक का हम अगर कंपैरिजन करें तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले वक्त में कंपैरिजन कर सकते हैं, क्योंकि बाहुबली का एक अलग लेवल था। लेकिन उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो है वो कर पाएगी, लेकिन आगे उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। देखते हैं कि केजीएफ चैप्टर 2 जो है वो कहाँ तक जाती है। और आफ्टर सो लॉन्ग टाइम संजय दत्त को हम इंडस्ट्री में दोबारा से देख रहे हैं, और ये एक बहुत ही ज़बरदस्त है, और जो है यकीनन आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। और पार्लियामेंट में जिस तरह से एट द एंड ये एंटर हुए अपने लोगों के साथ, वो बहुत ज़बरदस्त था, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, लाइक इस तरह की एक्टिंग, मतलब एक्शन के साथ हर चीज़ इसमें मौजूद थी। और सबसे बड़ी बात कि इन्होंने जो शूट किया है वो लोकेशन बहुत अच्छी सिलेक्ट की है, दूसरा यहाँ पर म्यूज़िक और जो भी मतलब पीछे से बैकग्राउंड और जिस तरह के सीनरी इन्होंने लगाया वो बिल्कुल परफेक्टली मैच कर रहा था, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त लगा मुझे। तो आपको कैसा लगा ये तो आप मुझे शेयर करेंगे कमेंट सेक्शन में। बाकी ओवरऑल बहुत अच्छा था, और जो है क्या कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि केजीएफ चैप्टर 2 के आगे कोई मूवी टिक पाएगी सिनेमा में और इस टाइम में। तो आप लोगों का क्या कहना है ये तो आप मुझसे शेयर करेंगे कमेंट सेक्शन में। और बाकी मज़ा आने वाला है, क्योंकि रवीना टंडन भी एक बहुत ही ज़बरदस्त एक्ट्रेस हैं, संजय दत्त भी बहुत ज़बरदस्त एक्टर हैं, और इनकी एक्टिंग नो डाउट बहुत ही लाजवाब होती है और मुझे बहुत ही पसंद भी है। तो कैसा लगा आपको ये तो आप मुझसे शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपना और अपनी फैमिली का, और वीडियो के बारे में ज़रूर सजेशन दीजिएगा। अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं जिस पर हम रिएक्ट करें तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिंक शेयर कर सकते हो, बाकी हम उस पर रिएक्शन ज़रूर देंगे। ऑल्सो मेरा व्लॉग चैनल भी आप देखना मत भूलिएगा, व्लॉग का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ मिल जाएगा। सो आप मेरे व्लॉग चैनल साइमा प्लीज़ द व्लॉग चैनल पर
बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट देख सकते हो जो कि ओरिजिनल कंटेंट होते हैं क्रिएटेड बाय माय सेल्फ, और इसमें आप डेली रूटीन व्लॉग्स और डिफरेंट व्लॉग्स भी देख पाओगे। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर।